A very good morning dear aspirants, Byju's के government exams prep channel में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे this day in history segment की, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास facts और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आगामी government परीक्षाओं के point of view से बेहद important हैं। इसके साथ वीडियो के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। आप अवश्य ही इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हुए इनके उत्तर करने का अवश्य प्रयास कीजिए और इन्हें हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद लाभ प्राप्त होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 16 अप्रैल अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। द वेरी फर्स्ट फैक्ट हियर इज एसोसिएटेड विद 1848 व्हेन फादर ऑफ रनैसा मूवमेंट इन तेलुगु कंदुकुरी वीरसलिंगम वाज बोर्न, अर्थात तेलुगु के पुनर्जागरण आंदोलन के जनक कंदुकुरी वीरसलिंगम का आज ही के दिन जन्म हुआ था। राय बहादुर कंदुकुरी वीर सलिंगम पंतुलु वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ रनैसा मूवमेंट इन तेलुगु। ही वॉज बोर्न ऑन 16 अप्रैल 1848 एट राजमुंड्री इन आंध्र प्रदेश। वह संस्कृत, अंग्रेजी और तेलुगु तीनों भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने पहला उपन्यास तेलुगु भाषा में ही लिखा था। इनफैक्ट उन्हें ऑटोबायोग्राफी और एसे को तेलुगु साहित्य में इंट्रोड्यूस करने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए भी आवाज उठाई एंड ही रोट एक्सटेंसिवली फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ विमेन। इनफैक्ट उनके कई सारे वर्क्स प्रिडोमिनेंटली एक सटायर होते थे ऑन द देन एग्जिस्टिंग इमोरालिटी, सुपरस्टिशन, डबल स्टैंडर्ड एंड डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी। ही ऑल्सो ऑथर्ड द फर्स्ट तेलुगु बुक ऑन मॉडर्न साइंस। He strongly advocated widow remarriages and condemned child marriages as well as the practice of marriage of young girls to much older men. उन्होंने कहा था कि जब तक समाज में विमेन की पोजीशन इंप्रूव नहीं करी जाती, तब तक भारत समाज का किसी भी प्रकार से एडवांसमेंट या प्रोग्रेस होना बेहद मुश्किल है। Therefore, he set up schools for the education of girls and women. He also performed the first widow remarriage in Andhra Pradesh on December 11, 1881. In 1887, he started a Brahmo Mandir at Rajamundri. He was one of the very first few people to have attended the maiden session of the Indian National Congress in 1885. Aur varsh 1893 mein Indian government ne in pe confer kiya tha the title of Rao Bahadur, jise ki Uttar Bharat mein Rai Bahadur bhi kaha jata tha. He passed away on 27 May 1919 at the age of 71 years aur inhe aksar inke sabhi samajik yogdano ke liye आंध्र प्रदेश के राजा राम मोहन रॉय भी बुलाया जाता था। और अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो संबंधित है 1853 से, जब भारत की पहली यात्रा ट्रेन अर्थात पहली पैसेंजर ट्रेन रन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने अर्थात इन दोनों शहरों के बीच चली थी। भारत की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन मुंबई और थाने के बीच रेलवे लाइन बिछाने और उसके पश्चात कल्याण और भोर घाट तक की रेलवे लाइन बिछाने की कल्पना 1843 में जॉर्ज क्लार्क ने की थी। वह मुंबई सरकार के मुख्य इंजीनियर थे। On April 16, 1853, the first passenger train in India ran between Mumbai, Bori Bandar Station, established by the then Great Indian Peninsula Railway, to Thane, covering a distance of 34 kilometers. Train में 14 carriages शामिल थी, जिनमें लगभग 400 यात्रियों ने जर्नी करी। ट्रेन को साहिब, सिंध और सुल्तान नामक तीन इंजनों द्वारा संचालित किया गया था। The project was undertaken by Great Indian Peninsula Railway Company अर्थात GIP and the test run was done on 18 November 1852 itself. सर जमशेद जी, जी जी भॉय, नाना शंकर सेठ वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कमिटी दैट गेव कॉन्क्रीट शेप टू द प्लान।
ये ना कि सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया की पहली ट्रेन थी। और अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो कि संबंधित है 1919 से, व्हेन सीनियर एयर ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह वाज बोर्न, अर्थात भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी अर्जन सिंह का जन्म हुआ था। मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह वाज अ सीनियर एयर ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ही सर्व्ड एज द थर्ड चीफ ऑफ द एयर स्टाफ फ्रॉम 1964 टू 1969, लीडिंग द एयरफोर्स थ्रू द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। उनका संबंध पंजाब राज्य से था एंड ही वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू बी प्रमोटेड टू 5-star रैंक एज मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, अ पोजिशन दैट इज इक्वल टू द आर्मी रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। After attending the Imperial Defence College in 1960, he served as the Air Officer in Charge of Administration at Air Headquarters. In 1963, he took over as the Deputy Chief of the Air Staff and then later as the Vice Chief of the Air Staff. वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की कमान संभालने की उनकी वरिष्ठ सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1966 में एयर चीफ मार्शल के रूप में पोजीशन किए जाने वाले ये पहले IAAF अधिकारी बने। After retiring from the Indian Air Force, उन्होंने सर्व किया as a diplomat, politician and advisor to the government of India. He served as India's ambassador to Switzerland, the Holy See and Liechtenstein from 1971 to 1974. इसके अलावा वो High Commissioner of India भी थे to Kenya. बाद में उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के पद पर भी कार्यभार संभाला था। और अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो कि संबंधित है 1966 से, जब फेमस इंडियन आर्टिस्ट नंदलाल बोस हैड पास्ड अवे, अर्थात प्रसिद्ध भारतीय कलाकार नंदलाल बोस का निधन आज ही के दिन हुआ था। He was one of the pioneers of modern Indian art and a key figure of contextual modernism. उनका संबंध मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से था और वह अपनी प्रसिद्ध आर्टिस्ट्री के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रसिद्ध आर्टिस्ट अभिनेंद्रनाथ टैगोर से प्रशिक्षण लिया था एंड ही इज एक्सट्रीमली फेमस फॉर हिज इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। He became the principal of the Kala Bhavan in Shanti Niketan in 1922 और वह बेहद रूप से इन्फ्लुएंस थे बाय द टैगोर फैमिली एंड द म्यूरल्स ऑफ अजंता। हिज क्लासिक वर्क इंक्लूड्स पेंटिंग्स फ्रॉम सीन्स फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजीज, विमेन एंड विलेज लाइफ। नमक पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी की गिरफ्तारी ऑफ 1930 के इवेंट को चिन्हित करने के लिए नंदलाल बोस ने एक कर्मचारी के साथ गांधी जी की सफेद लिनोकट प्रिंट पर कला बनाई थी। यह अहिंसा आंदोलन के लिए एक आइकॉनिक सिंबल बन के सामने आई। उन्होंने महात्मा गांधी के आग्रह पर एक 7 poster का सेट भी तैयार किया था फॉर द 1938 हरिपुरा सेशन ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस। He also took up the historic task of beautifying or decorating the original manuscript of the Constitution of India. Unko Bharat Sarkar dwara Padma Shri Puraskar aur varsh 1954 mein Padma Vibhushan Puraskar se sammanit kiya gaya tha. Aaj ke samay mein Nayi Delhi ke National Gallery of Modern Art mein inke 7000 se bhi adhik rachnaye depict kari gayi hain. In 1956, he became the second artist to be elected as the fellow of the Lalit Kala Academy, which is India's National Academy of Art. Unke dwara prashikshit kuch anya famous Indian artists hain K.G. Subramanian, A. Ramachandran, Henry Dharmasena, Pratima Thakur, Satyajit Ray aur Jahar Das Gupta. With this, ab chal ke dekhte hain
कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं? The very first question here is, who is known as the father of Renaissance movement in Telugu? अर्थात तेलुगु में पुनर्जागरण आंदोलन के जनक के रूप में किसे याद किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए तंगुतुरी प्रकाशम, बी कंदुकुरी वीर सलिंगम, सी नीलम संजीव रेड्डी या डी गोटू लचटन। The next question is, who is known as Raja Ram Mohan Roy of Andhra Pradesh? अर्थात आंध्र प्रदेश के राजा राम मोहन रॉय के रूप में किसे याद किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए जसुआ, बी गोथू लचटन, सी वेमना या डी कंदुकुरी वीर सलिंगम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when did India's first passenger train operate or run between Bombay to Thane? अर्थात भारत की पहली यात्रा ट्रेन बॉम्बे से थाने तक कब चली थी? ऑप्शंस है ए 1855, बी 1853, सी 1854 या डी 1852। और अगला सवाल है, who was the first and only officer of the Indian Air Force to be promoted to 5-star rank as मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? अर्थात इस पद को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वायुसेना के अधिकारी कौन थे? ऑप्शंस हैं ए अर्जन सिंह, बी अरूप रहा, सी सैम मेनिकशो या डी के एम करियप्पा। और अगला सवाल है, हु वॉज द सेकेंड इंडियन आर्टिस्ट टू बी इलेक्टेड एज द फेलो ऑफ ललित कला एकेडमी? अर्थात ललित कला एकेडमी के फेलो के रूप में चुने जाने वाले दूसरे भारतीय कलाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस है ए नंदलाल बोस, बी जमिनी रॉय, सी राजा रवि वर्मा या डी विनोद बिहारी मुखर्जी। और अगला सवाल है, वेयर वॉज द हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? अर्थात भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शंस है ए 1936, बी 1937, सी 1938 और डी 1940। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स निरंतर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। विद दिस थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड स्टे सेफ।